गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड। तो आज फिर हम लोग आ चुके हैं अपनी R1 155 सीसी और कौन सी है ये 350 बुलेट 350 सीसी बुलेट है। क्या लगता है, जाओगे यार? हां बिल्कुल, बस तुम्हारी सर्विस हो चुकी है, सर्विस के बाद ये जाएगी नहीं। कितने कॉन्फिडेंस चाहिए आने वाले को? कोई बात नहीं, अगर पिछली बार चलो भैया, लेकिन पिछली बार लेकिन सनी हम जानबूझ के आ रहे थे, जानबूझ के नहीं, गाड़ी में दबी नहीं थी पिछली वाली तुम्हारी। नहीं, हमने सोचा 350 सीसी लेके आए तो थोड़ा बहुत तो चलने देते हैं ना। अभी देखते हैं फिर से। हाँ तो रोगे तो नहीं? नहीं नहीं, हरा दे, हरा दो। सही में? सही में लगी सर, लगी सर। चलो ठीक, आज बिरयानी पे है, बिरयानी पे आ रहा है भाई साहब। तुम्हारा टेंशन ना लो, जीत। हाँ के बाद दम आई है इसमें। क्या हुआ भैया? सर्विस हो चुकी ना बारी। तो ये ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? नहीं, अभी इसकी सर्विस नहीं, सर्विस हो चुकी है। ये मानते ही नहीं कि उस दिन हम जानबूझ के आ रहे थे। ना जानबूझ के तो ना आ रहे थे ना भैया, हम जानबूझ के आ रहे थे। आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा था, जानबूझ के नहीं आ रहा था पूरा। अबे हम जानबूझ के आए थे, हम दिखाए थे कि ये बात 350 इसी की कुछ तो इज्जत हो जाए। हां हां पता है। अबे कहां ये, कहां ये कबाड़? चलेगा सर्विस के बाद देखना। दम नहीं है वे, दम नहीं है। वो सर्विस हो के आई है, ठीक है, पहली सर्विस उसकी हो चुकी है, अभी भी बिल्कुल वही है। बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं है, वही खड़ी है। चलो बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, एक बार और लगाओगे इधर से? और क्या, सही बताओ। अच्छी एक बार बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, दूसरी बार भी बेइज्जती करोगे? चलो रुक जाओ, बराबर लगाने दो, तुम जीत जाओगे तो ऐसे बेईमानी करके। फिर से काउंटिंग करेंगे, एक बार तैयार हो फिर एक बार व्यस्त कराने के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। तुम्हारे बस का नहीं है, हमने कहा था सनी, नहीं ना दूर का डिफरेंस कराना पड़ेगा, उसके बाद देखूंगा भाई। तुम्हारे बस का नहीं है बाबू, कितनी जा रही है अभी R1? इसको हम 145 हमको लगा, 135 निकल गई यार, 135 और ये 120 के ऊपर बढ़ ही नहीं रही। अरे चल बहुत उधर भाई,
कैसा लग रहा है ये सर्विस होके आई है? तो उससे क्या है, 350 सीसी 155 सीसी है, 120 के आगे बढ़ नहीं रही, तो बड़ी उसने लावड़ा डाल देगी। पर हाँ, ऐसी कभी तो चल जाएगी ना, तो भी भागी नहीं रही उसके आगे। चलाने वाले में दम होना चाहिए, चलाने वाले दम नहीं, गाड़ी सर्विस हो, सीसी उसे मैटर नहीं करता है, समझे? तसल्ली हो गई कि नहीं? ये सर्विस के बाद इसमें दम आई। नहीं नहीं नहीं, ये मानते कि पिछली बार जानबूझ के हार दे कि नहीं, तुम लोग को देखे इतना दूर जैसे गाड़ी गियर में ऐसे हेलमेट पड़ेगा। रे कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, मेरी बुलेट 120 के आगे जा ही नहीं रही थी यार, होता है होता है। सुनो बे, अरे सनी ये बैकग्राउंड में पलका जाना है। हां अबे के बगल में कबाड़ की दुकान है सब। ओ तो तुम्हारी बेचने जा रहे हो अपनी? कोई बात नहीं, बेच दो भाई ये का, बेच दो कबाड़ के पास। तुझे देखो भाई, बुलेट हमेशा लोहा है और लोहे जैसी मजबूत, वो लोहे रहे, ये देखो इसको गिरा देगा इसे मैं तो। ये जबरदस्त थार के बाद सनी भैया शर्मिंदा हो गए नहीं भोसड़े? मैं बिल्कुल नहीं, मेरी गाड़ी बिल्कुल भी सर्विस पे नहीं थी, इसकी गाड़ी सर्विस हो के आई है, ठीक है? बकचोदी नहीं, हारे की नहीं, एक्सेप्ट करो, हारे की नहीं। नहीं मैं हार नहीं मानता इसको, अगर दोनों गाड़ी आप लोगों ने भी पहला ब्लॉग देखा था जब दोनों गाड़ी सर्विस पे नहीं थी, तो क्या हुआ था तब? आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है ना, आप कुछ भी करा लो, तुम्हें बस का नहीं है, अभी सर्विस होने के बाद पता चलेगा बस का नहीं है, बस का नहीं है। 120 के ऊपर। तो आज की जबरदस्त हार के बाद सनी भाई का उतरा हुआ चेहरा? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं उतरा हुआ है ना, उतरा हुआ है विदाउट सर्विस। देखो इसको 20 रीजन नहीं चाहिए, उतरा हुआ है कि नहीं उतरा हुआ, लेकिन चेहरा उतरा हुआ जा ही नहीं रही गाइस, ये 120 के बाद स्पीड इसकी जा ही नहीं रही, ये 145 गई है गाइस सर्विस के बाद। दुख हुआ है, होने दो, इतना अगले लगता है ना भाई, अगले पार्ट में फिर से एक बार कंपेयर करेंगे तब बताएंगे सर्विस के बाद अगले संडे। उम्मीद रखो जीतने की, लेकिन भरोसा ना रखना कि जीतोगे, ठीक पता चलेगा वो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।